Hello, my dear lovely students, and a very amazing good evening to each one of you. So first of all, I hope सारे के सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, सारे के सारे बच्चे मुझे बहुत अच्छे से देख सकते हैं. So guys and girls, अगर आप सबको मेरी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है और अगर आप सब मुझे बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो फटाफट बता दो यार, हम लोग आज का सेशन इतना खतरनाक होने वाला है. यू नो वाई? आज के सेशन में हम सारे के सारे इनवर्टेब्रेट्स को पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम पॉलीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा. मतलब कैन यू ऑल इमेजिन, जो सबसे छोटे होते हैं उनसे लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, जो मतलब इतने बड़े होते हैं. सो वेयर आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच वन ऑफ देम गाइस एंड गर्ल्स. तो पहले तो सारे बच्चे बता दो, आर यू एक्साइटेड? दिस सेशन इज गोइंग टू बी सुपर फन, आग लगाने वाला. तो जल्दी बता दो मेरे सारे के सारे बच्चे, क्या भी मेरे जितने एक्साइटेड हो? बिकॉज आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग सेशन. आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड. हाय पीयूषा, हाय कीर्तन, हाय विकास, हाय कमल, हाय मोनिका, हाय प्रशांत, हाय दिशा, हाय पीयूषा. बच्चों चलो, सुपर डुपर एक्साइटेड. हेलो आदित्य, हाय चेतना. ऑल राइट गाइज एंड गर्ल्स, तो एनिमल किंगडम 3 दिन में, कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था. आज के सेशन में हम लोग पॉलीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा, कैन यू बिलीव? आज का टारगेट देख रहे हो आप सब, अपन सबका कितना खतरनाक टारगेट है. प्राक्षी मैम ने टारगेट सेट किया है और प्राक्षी मैम ने प्रॉमिस किया है कि प्राक्षी मैम का हर एक बच्चा इस टारगेट के साथ रॉक कर देगा. राइट गाइस एंड गर्ल्स, तो रॉक करने वाले हो सारे के सारे बच्चे मेरे टारगेट को मेरे साथ. चलो बच्चे, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, पहले तो सारे बच्चे बहुत आसान सा काम करना है, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है, ऐसा मत करना कि चैनल को सब्सक्राइब ना करो और बाद में कोई वीडियो और आप लोग मिस कर जाओ यार, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरे एक भी बच्चे के साथ हो. ठीक है, तो सारे बच्चे जाओ फटाफट से जाके क्लास 11th 12th अकेडमी का जो चैनल है हम आपके लिए स्कूल घर पे ले आए. बच्चों आप सब देख रहे हो, मतलब लेवल देखो, अब एकेडमी का मतलब हम लोग आपके लिए स्कूल घर पे ले आए. कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं बच्चों, हम आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, वो भी फ्री में दे रहे हैं. देखो, वी आर गिविंग दिस टू यू फॉर फ्री. तो आ जाओ सारे के सारे बच्चे, गेट रेडी एवरीबॉडी. ओके गाइस, तो पहले सब्सक्राइब कर लो. अब मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे नए हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से नहीं जानते. तो हाय गाइस एंड गर्ल्स, माय नेम इज डॉक्टर प्राक्षी चतुर्वेदी. बच्चों आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी. आप जैसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ फॉर मोर देन 3 इयर्स और मैंने सिलेक्शन दिए हैं इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, लाइक AFMC, KGMC, एम्स और बहुत सारे. मतलब ये तो कुछ ही नाम है, बहुत बहुत सारे. ठीक है, तो होप तो मेरी है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए किसी बढ़िया से कॉलेज में जल्द से जल्द. तो रेडी हो जाओ बच्चों, मैं आ गई हूँ. आई विल मेक श्योर यू पीपल गेट सिलेक्टेड एंड वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर. ठीक है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको भी करनी है, मेरे को भी करनी है. यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज्यादा कर लूंगी तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी. राइट गाइज एंड गर्ल्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे अटेंटिव इन द क्लासेस एंड लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी. साथ में क्रैक करते हैं बच्चों. चलो बच्चों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको आज के सेशन के नोट्स मिल जाएंगे आफ्टर द सेशन. सो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. इस टेलीग्राम चैनल पे मैं भी हूँ, सो इफ यू वांट टू इंटरैक्ट मोर विद मी यू कैन फाइंड मी ओवर देयर. ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. एंड नाउ वी हैव द अल्टीमेट थिंग. अब अल्टीमेट चीज की बात करते हैं बच्चों, जो एक्चुअली बहुत मदद करने वाले आप सबकी क्रैक करने में. ठीक है, व्हेन आई से लेट्स क्रैक इट आई मीन लेट्स क्रैक इट. ठीक है, जब मैं बोलती हूँ क्रैक कर देंगे एग्जाम को, तो सच में क्रैक कर देंगे. ठीक है, और यही वो चीज है जो एक्चुअली आपको क्रैक करवाने में मदद कर सकती है बच्चों. दैट थिंग इज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस. मैम लाइव क्लासेस आप यूट्यूब पे भी लेते हो, वो फ्री है, हम पैसे क्यों देंगे उस चीज के लिए? वो तो आप फ्री में पढ़ा रहे हो हमको, है ना? फ्री में तो पढ़ा रही हूँ, बट यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती. मैं चाहती हूँ दिल से इंटरेक्ट करना, बट मैं नहीं कर पाती यार, बड़ा बुरा लगता है मुझे. वहां पे मच 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 बेटर इंटरेक्शन होगा हम सबका साथ में. बीच क्लास में पोल्स और लीडर बोर्ड आएंगे बच्चों. देखना, आप आज के सेशन में मैं आपसे एक आध क्वेश्चन पूछूंगी तो आप जवाब दोगे, बहुत मजा आएगा हमको, लेकिन आपको रैंक नहीं मिलेगी यार उसके लिए. ठीक है, यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए आपको रैंक मिलेगी, तो जितने सही जवाब उतनी बढ़िया रैंक आपकी. टेस्ट सीरीज और एनालिसिस होता है जहाँ पे आप खुद को चेक करो यार, जब तक चेक नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा ना कि क्या आता है क्या नहीं. तो वे आप टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, और मेरा फेवरेट पार्ट होता है बच्चों, हर 2 से 3 सेशंस के बाद एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. ठीक है, सो आफ्टर एवरी 2 to 3 सेशंस वी हैव अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जहाँ पे आप बच्चों के हर एक डाउट का आसान तरीके से आंसर दिया जाता है. ठीक है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. आपको क्या करना है बच्चों, सारे के सारे बच्चों को अपने फोन के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, प्लस सेक्शन पे जाना है, 11th में हो तो 11th सेलेक्ट करना, 12th में हो तो 12th सेलेक्ट करना एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्राइब. उसके बाद आपके सामने बहुत सारे प्लान आते हैं, 1 month, 3 month, 6 month, 11 month, 15 month, 18 month, 24 month. आप जो भी प्लान चूज करना चाहते हो कर सकते हो. जस्ट रिमेम्बर टू यूज द कोड PC लाइव बच्चों.
प्लान कोई भी हो, कोड सेम हो, पीसी लाइव. राक्षी चतुर्वेदी मैम का कोड है पीसी लाइव, मेक श्योर यू यूज इट, मेक श्योर यू मेक इट वायरल. ठीक है, ये तो ही प्लस की बात बच्चों. ठीक है, मैं फ्री में भी पढ़ाती हूँ. लेट मी टेल यू, आई हैव आल्सो टेकन फ्री सेशंस ऑन अनअकैडमी ऐप. ठीक है, बहुत सारे बच्चे यू विल बी शॉक टू हियर, आई हैव आल्सो टेकन फ्री सेशंस. आप सारे के सारे फ्री चैप्टर्स को भी अनलॉक कर सकते हो सेम कोड के साथ. ठीक है, जितने भी फ्री टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं सारे अनलॉक हो सकते हैं. इनफैक्ट आज रात को 9 बजे मैं फ्री में पढ़ाने वाली हूँ अर्थवर्म. टुनाइट 9 PM आई विल टीच यू अर्थवर्म फॉर फ्री. ठीक है, सो इट्स अ फ्री सेशन, तो आप सब वहां भी आ सकते हो. प्लीज रिमेम्बर टू यूज द कोड PCLIFE. PCLIFE कोड को यूज करना ताकि आप मेरा अनलॉक, आप मेरा सारा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सको. ठीक है, चलो तो ये सारी बातें हो गई. मैम पढ़ना शुरू करें. मैम एनिमल किंगडम 3 दिन में करना है, मैम 2 दिन में करना है, कैसे करें? चलो बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट डिस्कशन ऑफ एनिमल किंगडम. आई होप एवरीबॉडी हैज दिस टेबल. बहुत ही आसान टेबल है जो आपके लिए पढ़ना बहुत 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 आसान बना देती है. लोकेश, माई क्लास टाइमिंग्स आर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 5 PM एंड ऑन अनअकैडमी ऐप फॉर स्पेशल क्लासेस इट इज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7 में 9 बजे. ठीक है, सो 5 PM ऑन यूट्यूब. ओके लोकेश, चलो ये टेबल हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए. ये टेबल हम डिस्कस करेंगे जब हम कल की क्लास में कॉल डेटा पढ़ लेंगे. ठीक है बच्चों, वी विल डिस्कस दिस टेबल टुमारो व्हेन वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दिस थिंग. चलो बच्चों, तो पहले एक बहुत ही आसान सवाल है. मतलब मुझे लगता है यार, हर वो क्लास जो क्वेश्चन के बिना शुरू नहीं हो ना, वो क्लास क्लास नहीं है. मुझे नहीं मजा आता क्वेश्चन के बिना क्लास को शुरू करने में. तो गाइज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is not a basis of classification of animals? इन में से कौन सा animals को classify करने का basis नहीं बन सकता है? तो जल्दी बता दो मेरे सारे टॉपर्स, इस question का answer क्या होगा? Okay. I am hoping all my toppers will give me such fast answers. TDM snipes, बच्चे, please try to refresh because from my end it's fine. प्रशांत ने जवाब भी दे दिया है और अल्जिया ने भी जवाब दे दिया. प्रशांत और अल्जिया ने जवाब भी दे दिया. ये कल का सेशन देखकर आए, देखते हैं या तो ये बच्चे बहुत खतरनाक वाले टॉपर्स है. वेल डन, एक्सेलेंट बच्चों, बहुत बढ़िया. और कोई बच्चा जो सही जवाब देना चाहता है, रॉक कर देना चाहता है इस क्वेश्चन को? एनीबडी एल्स? लोकेश, दिशा, पीयूष, एवरीबडी, नाइस. बाकी के बच्चे फटाफट बताओ गाइस, जल्दी आना चाहिए यार जवाब इतना धीरे. मंतशा, एब्सोल्युटली राइट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप एनिमल्स को डिवाइड नहीं करते. हर एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक ही है. एवरी एनिमल शोज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हर एक एनिमल बेटा दूसरे से ही खाना खाता है, खुद से कोई खाना नहीं बना सकता. ठीक है, सो हेटेरोट्रॉफिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एवरी एनिमल दैट इज प्रेजेंट. यस बेटा आदित्य, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, सो हेटेरोट्रॉफिक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आसान सा क्वेश्चन है, मेटामेरिज्म किसके अंदर होता है? स्पॉन्जेस के अंदर होता है, अर्थवर्म के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है या फिर ओबेलिया के अंदर होता है? तो दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. मेटामेरिज्म क्या होता है पहली बात तो, दूसरी बात इनमें से किसके अंदर हो सकता है? तो जल्दी बता दो सारे बच्चे, पहले आप बताओ फिर मैं बताने वाली हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी हू इज गोइंग टू रॉक दिस क्वेश्चन. ऑल राइट स्वाति, एब्सोल्युटली राइट स्वाति, एब्सोल्युटली राइट. प्रशांत बेटा, हाय मीनाल, नो प्रॉब्लम. हिमांशु, एब्सोल्युटली राइट. और कहां गए मेरे टॉपर्स? पीयूष, एब्सोल्युटली राइट. दीक्षा, मीनल, लोकेश, एब्सोल्युटली राइट. अर्थवर्म. हाँ, मेटामेरिज्म क्या होता है आपको तो पता ही नहीं है. मेटामेरिज्म मीन सेगमेंटेशन. मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चे? सेगमेंटेशन. यस आदित्य, एब्सोल्युटली राइट. आपने कॉकरोच को देखा? अच्छा पहले तो मेरे को चैट सेक्शन में बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर सीन अ लाइव कॉकरोच? सबने देखा होगा. हर एक बच्चा आई एम श्योर अग्री करेगा कि मैम कॉकरोच किसने नहीं देखा होता, सब ने देखा है. देखो अर्थवर्म हो सकता है किसी ने लाइव नहीं देखा हो, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने जिंदा अर्थवर्म को नहीं देखा हो. कॉकरोच तो सबने देखा होगा, फटाफट बता दो क्या हर एक बच्चे ने कॉकरोच देखा है? हैव यू ऑल सीन अ कॉकरोच एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ? यस मैम, स्वाति हैज सीन. बाकी के बच्चों ने देखा है कि नहीं? कॉकरोच सबने देखा होगा ना. अच्छा, कॉकरोच को उल्टा कितने बच्चों ने किया ये बताओ, दैट इज अ ग्रेट थिंग. कभी कभी हम डर जाते ना तो हम स्लिपर से या पैर से या किसी चीज से कॉकरोच को ऐसे लात से मार देते हैं, वो थोड़ा उल्टा हो जाता है. Have you seen that? उल्टा होता है कॉकरोच, तो उसके अंदर आपको नजर आते हैं इस तरीके से उसकी बॉडी के अंदर बने हुए सेगमेंट्स. बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट? कितने बच्चों ने कॉकरोच से डर के उसको एक दो बार मार दिया था पैर से कि यार तुम जाओ यहाँ से, आई एम स्केर्ड ऑफ यू. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? यू हैव डन दैट ना? प्रशांत,
आपने देखा था उसके अंदर ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट थे, दीज सेगमेंट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज मेटामर्स, ठीक है? ये सेगमेंट्स अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं उसे हम मेटामर्स बताते हैं, राइट? राइट बच्चों, एब्सोल्युटली राइट। देवनारायण मिश्रा अनअकैडमी पर मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा रखा है, आप मेरा कोड प्राक्षी यूज करके पूरा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हो, फ्री में है वो, ठीक है? फ्री स्पेशल क्लास में, तो आप ये कोड यूज करना तभी आप अनलॉक कर पाओगे, ठीक है? सो मेक श्योर यू डू दैट। चलो बच्चों, अब हम आ गए एनिमल किंगडम के हमारे पहले खूबसूरत और बहुत ही ईजी वाले एनिमल पे, सबसे बेसिक एनिमल। कोई अगर आपसे पूछे ना कि सबसे छोटा एनिमल कौन है या सबसे बेसिक एनिमल कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज क्या होता है, सबने देखा होगा ना किसी न किसी मोमेंट में वो येलो कलर का स्ट्रक्चर, उसको प्रेस करते हो तो वो प्रेस हो जाता है। तो पॉलीफेरा बेटा हमारा पहला फाइलम होता है, किंगडम एनिमेलिया का पहला फाइलम है पॉलीफेरा। इनको आप कॉमनली बुलाते हो स्पॉन्जेस, ठीक है? फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स को बच्चे आप कॉमनली स्पॉन्जेस बुला सकते हो। मराइन होते हैं, यानी आपके पास में जो नदी बह रही है ना बेटा, आपके घर के पास में जो कोई नदी बह रही है, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे चंबल हो, उसके अंदर नहीं होगा ये प्रेजेंट, होगा बड़े बड़े ओशंस के अंदर या सीज के अंदर। इट इज नॉट प्रेजेंट इन रिवर्स बच्चों, रिवर्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है? पॉलीफेरा मराइन होता है, आई एम सॉरी हमने कल की क्लास में बात कर लिया था। असिमेट्रिकल होता है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते इसकी बॉडी को, यू कैन डिवाइड इट्स बॉडी, असिमेट्रिकल होता है। इसके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, इसकी बॉडी के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो इसको डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको खाने को कैप्चर करने में, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, ठीक है? इसकी बॉडी का सारा काम कराता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो व्हिच हैज अ वाटर कैनाल सिस्टम, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी इसका जो डाइजेशन होने वाला है बच्चों वो सेल के अंदर ही हो जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में है वो है, ये है हर्माफ्रोडाइट। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी ओवर योर टेल मी व्हाट डज द टर्म हर्माफ्रोडाइट एक्चुअली मीन? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बच्चे बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल एनिमल है, दो अलग अलग सेक्सेस नहीं प्रेजेंट होते, एक ही एनिमल के अंदर मेल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है? अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं दोनों के दोनों ऑर्गन्स के अंदर। Is this thing clear? Yes, Mantasha, absolutely right. Hi, Rangoli. Hi, Monica. Hi, Kittu. Okay, so these are bisexual animals. ये कैसे होते हैं बच्चों? Bisexual animals. सर, इनकी बॉडी के ऊपर एक, अच्छा आपकी बॉडी में स्केलेटन है ना? आप सबने देखा है आपकी बॉडी के ऊपर एक स्केलेटन है, बोनी स्केलेटन। अब यार ये इतने अमीर नहीं है ना कि बोन्स अफोर्ड कर सके, तो इनके पास टिक्यूज या फिर स्पॉन्जेड फाइबर्स का बना हुआ स्केलेटन होता है, ठीक है? इनके पास कैल्शियम नहीं है इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत कैल्शियम होता है उसके अंदर, बट हड्डियां नहीं है इनके पास, ठीक है? सो दे हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ पिक्यूल्स और स्पॉन्जेस फाइबर्स। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर होता है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा लार्वल स्टेज विल बी प्रेजेंट, लार्वा प्रेजेंट होगा वहां पर, ठीक है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा जो एडल्ट से बिल्कुल अलग होगा। दे हैव अ लार्वा विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, साइकॉन, टाइपा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। अब एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में नहीं है बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो है यू प्लैक्टेला। दिस एग्जाम्पल गाइज एंड गर्ल्स इज ऑफ यू प्लैक्टेला। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप बुलाते हो वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट यू प्लैक्टेला इज कॉल्ड। वीनस फ्लावर बास्केट मैम फ्लावर्स होते हैं? नहीं, इसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते। ये जापान के अंदर वेडिंग गिफ्ट में दिया जाता है, जापान वेडिंग गिफ्ट। अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो जापान में, तो आप यू प्लैक्टेला या वीनस फ्लावर बास्केट को ले जा सकते हो। इसके अंदर मेल और फीमेल श्रिम्स प्रेजेंट होते, ठीक है? तो अगर आप जापान जा रहे हो किसी की शादी में, गोइंग टू जापान फॉर समबडीज वेडिंग, यू कैन मे बी गिव देम अ यू प्लैक्टेला, ठीक है बच्चों? इसके अंदर मेल और फीमेल श्रिम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। आदित्य क्या रिपीट करना है बेटा? राइट, यू प्लैक्टेला, EUPLECTELLA, यू प्लैक्टेला इसका नाम होता है, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है? इट इज गिवन एज अ वेडिंग गिफ्ट इन जापान। चलो ओके, दैट इज क्लियर। अब फटाफट बता दो एक आसान से क्वेश्चन का नाम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोवानोसाइट्स। कोवानोसाइट्स इसमें से किसके पास प्रेजेंट हो? सिलेंटरीटा के पास, स्पॉन्जेस के पास, टीनोफोरा के पास या फिर प्लैटिहेलमिंथ्स के पास? तो कोवानोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, जल्दी से बता दो मेरे सारे टॉपर्स, कोवानोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों?
Where are choanocytes present? I'll have some water. Till the time you can answer the question, okay? Meena, Lokesh, Disha, Mantasha, Fire of Dancing, Prashant, Aditya, Swati, Alzia, Piyusha, Hi Richa. Excellent, bachcho. So the right answer is sponges. Choanocytes ka bachcho dusra naam hota hai collar cells. Iske paas six cells hote hain jinko aap collar cells bhi bulate ho, okay? So collar cells are present only and only in sponges. Good, bachcho, very nice. Yes, Alzia. Chalo. So that was it about sponges. ये तो हो गई sponges की कहानी. चलो आगे बढ़ते हैं. Cylindrata या Cnidaria की बात करते हैं. ये Porifera के बाद आता है, यानी Porifera से थोड़ा सा ज्यादा advanced होने वाला है. Porifera asymmetrical. ये कैसा होता है? Radially symmetric. ठीक है बच्चे? Porifera was asymmetrical. This is going to be radially symmetric. ठीक है? ये aquatic होते हैं, पानी में रहते हैं. मोस्टली मराइन, मतलब हो सकता है एक सिलेंडरेट आपको अपने घर के आसपास वाली नदी में घूमता हुआ मिल जाए, बट मैक्सिमम तो इनमें से मराइन ही होते हैं. सिसाइल और फ्री स्विमिंग. अच्छा, सिसाइल और फ्री स्विमिंग बच्चों का वर्ड का मतलब पता है? पीयूषा, प्रोटोजोआ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सेकेंड किंगडम होता है. पीयूषा बेटा, प्रोटोजोआ इज नॉट एन एनिमल किंगडम. इट इज नॉट एन एनिमल किंगडम प्रोटोजोआ, राइट? Please let's not get confused. Protozoa is an animal kingdom. Protozoa is not an animal kingdom. It's a kingdom on its own. Cnidaria या Cnidaria, ठीक है? आपको पता है इनको Cnidaria क्यों बुलाते हैं? अच्छा, we were talking about sessile. Sessile मतलब ऐसा organism जो attached हो. ये attached है, ये move नहीं कर सकता. It cannot move. ये phase move नहीं कर सकता है. No, these are not the larval stages, Swati. These are the main मेन ऑर्गेनिज्म स्टेजेस ऑल्सो. ये लार्वल स्टेजेस नहीं है. सिसाइल मतलब जो मूव नहीं करेगा. फ्री स्विमिंग यानी मोबाइल स्टेज, यानी आराम से स्विम कर सकता है ना, फ्रीली स्विम कर सकता है. ठीक है, तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो सिसाइल यानी मूव नहीं करेगा, या फिर स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, राइट? विच कैन स्विम. कंटेन्स नीडोब्लास्ट. इसके पास इस तरीके के सेल्स होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स. इट हैज सेल्स लाइक दिस. Yes, Prashant, absolutely right. इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स. ठीक है, इसलिए इनका नाम आपने रख दिया Cnidaria. Absolutely right, Meenal. That is why you have called them as नीडोब्लास्ट सेल्स. ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्पॉन्जेस से ऊपर है, स्पॉन्जेस से ज्यादा एडवांस है, टिश्यू लेवल होगा. उसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. कल मैंने आपको बताया था जर्म लेयर्स के बारे में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. इनके पास मेसोडर्म नहीं होती, इनके पास केवल दो ही लेयर्स होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. मेसोडर्म इनके पास नहीं होती है. ठीक है, ओके. अच्छा, Cnidaria के अंदर, Cnidaria मतलब एक ऐसा है, मतलब यू नो बहुत बहुत वैरायटीज मिलेंगी इसमें आपको. ठीक है, इसकी बॉडी फॉर्म भी दो तरीके की, पॉलिप एंड मेड्यूसा. पॉलिप बच्चे देखो, सारे के सारे बच्चे इस फिगर को देख लो, मुझे पक्का पता है इस फिगर को देख के आसानी से समझ जाएंगे सारे के सारे बच्चे. ठीक है, ये जो पॉलिप है ना बच्चे, ये अटैच्ड है कि नहीं पहले बताओ सारे के सारे बच्चे. पॉलिप लुक्स अटैच्ड, राइट? ये ऐसा लगा हुआ है, नहीं चिपका हुआ है. तो दिस इज योर सेसाइल स्टेज. पॉलिप इज सेसाइल स्टेज. ठीक है, पॉलिप कैसा हुआ बच्चे? सेसाइल, ये मूव नहीं करेगा. दूसरा होता है मेड्यूसा. मेड्यूसा कैसा होता है? मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप. अच्छा, पहले सारे बच्चे बताओ ये अम्ब्रेला जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा मेड्यूसा? डू यू थिंक मेड्यूसा लुक्स लाइक अम्ब्रेला? दिस इज अम्ब्रेला शेप टू फ्री स्विमिंग स्टेज. ये अम्ब्रेला जैसा है और ये फ्री स्विमिंग है, ये आराम से स्विम कर सकता है. अब कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कभी पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, कभी मेड्यूसा से पॉलिप बनता है. नॉर्मली एनिमल्स के अंदर सेम रहता है बच्चों, बट इन सम एनिमल्स ये चेंज होता रहता है. इसे आप बुलाते हो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस. ध्यान रखना सारे के सारे बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटाजेनेसिस किसके अंदर आता है. ठीक है, सो मेटाजेनेसिस इज बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. अभी जब आप क्लास 11th के एग्जाम दोगे तो हो सकता है आपकी मैम आपसे पूछ ले कि बताओ मेटाजेनेसिस किसके अंदर नजर आता है. ठीक है बच्चों, तो 11th के मार्क्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ना. So, metagenesis is shown by Cnidaria or Cnidaria.
क्या ये बात हर एक बच्चे को समझ आ गई? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस नाइसली? जल्दी बता दो मेरे टॉपर्स। अब एक प्रॉब्लम है यार, हर कोई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं शो करता। अभी हमने बात करी मेटाजेनेसिस की या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, सबके सब नहीं शो करेंगे अल्टरनेशन, केवल कुछ एनिमल शो करते हैं। तो फटाफट बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इनमें से कौन सा शो करेगा? ऑरेलिया, एडेम्शिया, हाइड्रा या फिर ओबेलिया? विच ऑफ दीज फॉलोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? तो जल्दी बता दो। ओके, सो आई कैन सी वेरिंग रिस्पॉन्सेस टू दिस क्वेश्चन। काफी घूमते फिरते जवाब आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। मेटाजेनेसिस इज शोन बाय, मेटाजेनेसिस कौन शो करता है जल्दी बताओ? मेटाजेनेसिस इज शोड बाय, ओके, मीनल वॉज एब्सोल्यूटली राइट, मीनल इज स्टिल एब्सोल्यूटली राइट, मेटाजेनेसिस इज शोन बाय ओबेलिया। ठीक है, सी पर, ये वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर दोनों स्टेजेस पे, ओबेलिया इज कॉमनली कॉल्ड सी पर, सो ओबेलिया के अंदर बच्चे मेटाजेनेसिस बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल सकता है, एब्सोल्यूटली राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एनेमोन का दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द सेकेंड नेम फॉर सी एनेमोन? ऑरेलिया, ओबेलिया, एडेम्शिया या फिर गोर्गोनिया? व्हाट इज द अदर नेम फॉर सी एनेमोन? सी एनेमोन को आप और किस नाम से बुला सकते हैं? ऑरेलिया, ओबेलिया, एडेम्शिया या गोर्गोनिया? तो जल्दी बता दो सारे के सारे बच्चे, व्हाट इज द अदर नेम? लोकेश हैज गिवन द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट लोकेश। और कोई बच्चा सही जवाब देके टॉप करना चाहता है? पीयूषा इज राइट, मंतशा इज राइट, लोकेश, मीनल, दिशा, पीयूषा, एब्सोल्युटली राइट। सी एनेमोन इज एडेम्शिया, एडेम्शिया का दूसरा नाम होता है सी एनेमोन, गोर्गोनिया का दूसरा नाम होता है सी फैन, ओबेलिया इज सी फॉर, ठीक है। चलो ये रहे ऑप्शंस आप सबके सामने, ये रहे इसके सारे के सारे एग्जांपल्स बच्चों, फाइसेलिया पोर्चुगीज मेनोफोर, एडेम्शिया सी एनेमोन, पेनाटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मेंड्रिना ब्रेनकोड। So these are all the common examples of kingdom of phylum Coelenterata. Is that clear? Sonu, yes, the option is absolutely clear. Okay, Sonu, that's right. Okay, is this clear to everybody? Phylum Coelenterata also done, guys. No phylum already ho chuke hai. Abhi baaki sare patafat karte hai. Chalo. Next phylum hota hai aapka Ctenophora. Ctenophora ko bachcho, ask. Acha pehle mere ko ye batao, aap mein se kitne bachcho ke nicknames hai? How many of you have nicknames? कितने बच्चे ऐसे इस क्लास में जिनके निकनेम भी मैम घर पे प्यार से छोटू बुलाते हैं? छोटू तो कोई नहीं बुलाता होगा, आई थिंक मोटू जरूर बुलाते होंगे राइट। इफ आप मोटे हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको मोटू बुलाना शुरू कर देते हैं राइट। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव निकनेम्स? आदित्य हैज अ निकनेम, ऑल ऑफ यू हैव निकनेम्स राइट, आई एम होपिंग एवरीबॉडी हैज अ निकनेम राइट गाइस। ओके, सो वी ऑल हैव अ निकनेम, यार हम सब के निकनेम्स होते हैं ना, तो एनिमल्स के भी तो ठीक है। तो टीनोफोर का निकनेम है सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, ठीक है। टीनोफोर का निकनेम होता है बच्चों सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेली। नॉर्मली निकनेम ऐसा ही होता है जो आपके बारे में बताया है ना, कि मोटू बोल देते हैं, कोई थोड़ा सा मोटा है तो कोई हाइट छोटी है तो छोटू बोल देते हैं, कोई बहुत लंबा है तो उसको लंबू बोल देते हैं। वी टेक नेम्स लाइक दिस राइट। सिमिलरली इसके भी नाम है सी वॉलनट, क्योंकि ये वॉलनट जैसे नजर आते हैं, अखरोट जैसे नजर आते हैं और ये पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सो यू कैन कॉल इट अ सी वॉलनट। कॉम्ब जेली, क्योंकि इसके अंदर कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है और जेली जैसा नजर आता है, तो आप इसको कॉम्ब जेली भी बुला सकते हैं। सी वॉलनट या कॉम्ब जेली इसका कॉमन नाम है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी ये आपको कभी भी गंगा या यमुना रिवर में नहीं मिलने वाला। यू आर नेवर गोइंग टू फाइंड दिस इन गंगा और यमुना, कभी नहीं, ये हमेशा आपको समुद्र के अंदर मिलेगा। इट इज एक्सक्लूसिवली मराइन, रेडियली सिमेट्रिकल होता है हम सब जानते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बेटा मैं टॉपिक्स बता रही हूँ इसमें आपके काम आएगी वो टेबल जो मैंने बनाई थी, ठीक है। मैं एक काम और करूंगी, आई विल डू वन मोर थिंग, मैं वो टेबल टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी और इस चैनल पे भी मैं वो टेबल शेयर करवा दूंगी, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन टेक दैट टेबल। किसी को नहीं मिली है तो प्लीज प्लीज इस बार उस टेबल को जरूर देख लेना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
डाइजेशन इसके अंदर सेल के बाहर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है। अच्छा आप लोगों ने देखी है क्या, हैव यू ऑल सीन जुगनू? क्या हर एक बच्चे ने जुगनू देखा किसी न किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे? हैव यू ऑल सीन अ जुगनू? बच्चों जुगनू देखा सबने, राइट? जुगनू इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोर, फायरफ्लाई वो टीनोफोर का एग्जाम्पल नहीं होता, बट जुगनू लाइट में चमकता है। सिमिलरली ये भी लाइट में चमकता है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट। तो ये एनिमल्स भी बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, यानी ये ऑर्गेनिजम्स भी लाइट को एमिट करते हैं जस्ट लाइक फायरफ्लाई, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मींस दीज आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट। आप हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज कर सकते हो कि नहीं यूज कर सकते हो बच्चों? कैन वी ऑल यूज द टर्म हर्माफ्रोडाइट? क्या हम सब साथ में हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज कर सकते हैं इनके लिए? कर सकते हैं, राइट? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सो दीज आर बेसिकली मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट। जो वर्ड आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज एनी वर्ड। इसके एग्जाम्पल्स प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना होते हैं, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया द एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वल स्टेज। मैम ये हमको याद नहीं रहता, देखो मेरे को पता, आधे से ज्यादा बच्चे ना एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें याद हो जाएंगी, ये नहीं याद होता कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है। तो यही वो चीज है जिसके लिए आपके, जिसके लिए मैंने आप सारे बच्चों के लिए वो खूबसूरत टेबल बनाई है। सो मेक श्योर ऑल ऑफ यू रेफर टू दैट टेबल, ठीक है। ओके बच्चों चलो, अब आसान से क्वेश्चन आ गया फिर से आपके सामने, तो जल्दी से बता दो। Presence of complex is the exclusive feature of, presence of complex इसमें से कितना feature होता है, ठीक है? इनके पास 8 rows of ciliated comb plates होते हैं, 8 लाइनों में comb plates लगी होती है जिनके ऊपर cilia निकल रहा होता है। Lokesh has given the right answer and Meenal has given the right answer already. Guys, great! यार बाकी के बच्चे जल्दी जवाब दो, ये दोनों टॉप कर लेंगे नहीं तो। लोकेश मीनल मंतशा प्रशांत, बाकी के टॉपर्स कहाँ है यार मेरे, जल्दी जल्दी जवाब दो नहीं तो दोनों टॉप कर ले। हम सबको करना है ना टॉप, मैम वी ऑल वांट टू टॉप। पीयूषा दीक्षा, यस नॉट दीक्षा दिशा, एब्सोल्युटली राइट बच्चों। टीनोफोरा, क्योंकि टीनोफोरा का कॉमन नाम ही है ना, कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली इज द कॉमन नेम ऑफ टीनोफोरा, राइट। Which of the following pairs of animals were the first to show bilateral symmetry? बेटा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी वही टेबल आपके काम आती है। This question would have been made easy with the same table. तो फटाफट बता दो, which of the following pairs of animals were the first to show bilateral symmetry? सोनू यू विल टॉप, श्योर सोनू, आपकी बार सबसे पहले सोनू का ही जवाब आना चाहिए, जल्दी जवाब दे दो सोनू। और अभी नहीं भी कर पाओ तो वहां पे आने अकेडमी ऐप क्विज में तो पक्का सोनू को ही टॉप करना है। सोनू लास्ट तक रुकना, सो दैट यू टॉप, ठीक है। जल्दी बता दो मेरे सारे टॉपर्स। ऑलराइट, आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर। सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री इनमें से किसके अंदर मिली थी? लोकेश यस यू आर राइट, बट वो ऑप्शन ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में एक और ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, सो वी कैन मार्क नन ऑफ दीज। अगर आपके पास ऑप्शन में आंसर का नाम नहीं लिखा हुआ है, नहीं यार एक भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया, एक भी बच्चे ने, केवल मंतशा ने सही जवाब दिया और लोकेश ने सही जवाब दिया। आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री आई थी प्लैटी एलिमेंट्स में। नहीं नहीं आदित्य, सिलेंटेटा तो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, मैंने इसीलिए वो टेबल बनवाई थी ताकि कोई भूले नहीं। प्लैटी एलिमेंट्स वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू शो बाइलेटरल सिमेट्री, सो द राइट आंसर ओवर हियर इज प्लैटी एलिमेंट्स। यस दिशा, यस मीनल, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां सबसे होती है। हो सकता है आपके पास जो ऑप्शन दोनों उनमें से एक भी सही नहीं हो, तो नन ऑफ दीज को एकदम नकारा मत करो, हो सकता है नन ऑफ दीज राइट आंसर हो, ठीक है। जैसे इस केस में था, ऑप्शन कोई है ही नहीं, सबसे पहले तो क्लैटी एलिमेंट्स के अंदर आई थी बायलेटरल सिमेट्री, सो नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। यस बच्चे इट इज राइट, ई इज राइट, ओके चलो। तो चलो बात करते हैं क्लैटी एलिमेंट्स के बारे में। ये होते हैं फ्लैटवर्म, ये आगे से भी फ्लैट होते हैं, पीछे से भी फ्लैट होते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी डॉर्सल साइड भी इनका फ्लैट होता है और वेंट्रल साइड भी इनका फ्लैट होता है, ठीक है। अरे आदित्य नो नीड टू बी सॉरी, आप सही जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं। और मैं तो बोलती हूँ सारे बच्चों को कि इस क्लास में आके गलतियां करो ताकि मैं आपको सही जवाब देता हूँ, है ना बच्चों? सोनू नो प्रॉब्लम, सोनू अभी अनअकैडमी क्विज होगी वहां पर पास पास देना, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ये सारे के सारे एंडो पैरासाइट होते हैं, आपको पता है ये सारे के सारे, इनका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं, ऐसा नहीं खुद से जी के कुछ कर लेंगे बहुत बढ़िया, नहीं नहीं नहीं
सारे के सारे किसी और एनिमल की बॉडी में ही सरवाइव करेंगे, खुद से इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब किसी और एनिमल के अंदर रहेंगे। देखो बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है एंडो और दूसरा होता है एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट बेटा वो एनिमल होता है जो बाहर रहता है। एक्टो पैरासाइट का एग्जाम्पल होता है जुए, लाइस। डू यू ऑल रिमेम्बर लाइस? क्या हर एक बच्चा लाइस को जानता है? जुए होती है सर में बचपन में, राइट? Those are examples of ecto, क्योंकि वो सरफेस पे रहते हैं। ये होते हैं एंडोपैरासाइट, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। These are present inside your body, ठीक है? चलो, bilaterally symmetrical होते हैं, पहले एनिमल्स हैं जो bilaterally symmetrical हुए। Triploblastic होते हैं, पहले एनिमल्स हैं जो triploblastic है। Can you all see? First animals to be triploblastic, पहला एनिमल जिसके पास एक्टो एंडो मीजो सब कुछ है, बट अ सीलोमेंट, सीलोम नहीं है इनके पास, बॉडी कैविटी नहीं है। इनका ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं फ्लेम सेल्स। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बच्चों, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके अंदर सेक्स अलग अलग नहीं होते, सेम ही होते। अगेन दोनों के दोनों मोनोशेस। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, फीमेल क्या मेल फीमेल एक ही है इसमें तो। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेजेस के थ्रू अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको आप कौन सा डेवलपमेंट बोलोगे? यू विल कॉल दिस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। This type of development will be indirect development. Muskan, I say better late than never. So that's not a problem, Muskan. Ascaris is an endoparasite, but Ascaris is not a platyhelminth. Ascaris is an askelminth. ठीक है बेटा? Right? चल। Some members like planaria possess high regeneration capacity. अच्छा मैं एक चीज expect करती हूँ। Like मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी कोई मेरे सामने बोलता है planaria, मेरे दिमाग में आता है regeneration. Only thing that comes to my mind is regeneration. किसी ने बोला planaria, मेरे दिमाग में खट्टे से आएगा, भाई साहब ये तो regeneration की बात कर रहे, right? So some members like planaria possess high regeneration capacity. बहुत सारे animals होते हैं planaria की तरह जिनमें regeneration की capacity ज्यादा होती है। Example होते हैं इसके Tinea solium, that is tapeworm, ठीक है? Right? Example क्या होता है बच्चे इसका? Tinea solium, that is tapeworm. क्या दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका? फैशियोला या फिर लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक आपकी बॉडी के अंदर है। टेपवॉर्म पोर्क के अंदर प्रेजेंट होता है। डू यू नो पोर्क? पिग की जो मीट होती है उसके अंदर टेपवॉर्म मिल सकता है, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं ना पत्ता गोभी का कीड़ा, आपने सुना है सारे के सारे बच्चों ने पत्ता गोभी के कीड़े का नाम, वो भी टेपवॉर्म होता है। बहुत बार पत्ता गोभी के अंदर टेपवॉर्म प्रेजेंट होता है, उसको खा जाते हैं। ओके, सो इट इज लाइक दैट, राइट? ओके, Now let's talk about the next phylum, that is Askelmins. Platyhelminths हमने पढ़ लिया बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं Askelmins. Askelmins को आप commonly round worm बोलते हैं। Round size का structure, look at its structure. ये कीड़ा आपको नजर आ रहा है round worm, worm मतलब कीड़ा, and it is round in structure. इसका structure गोल गोल है, so इसको आपने round worm बुला दिया। इसके पास organ system level of body organization होता है, bilaterally symmetrical होता है ये organism. ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और स्यूडोसिलोमेट। हमने कल बात करी थी सिलोमेट, असिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट। असिलोमेट का एग्जांपल प्लैटीहेलमिंथ्स होगा, स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल एस्केलमिंथ्स होगा, फॉल्स सिलोम होती है, और असिलोमेट के एग्जांपल एनिलिडा के बाद सारे एनिमल्स होते हैं। प्लीज रेफर टू द टेबल फॉर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एलिमेंट्री केनाल इसका कंप्लीट होता है। आपको याद है हमने प्लैटीहेलमिंथ्स में पढ़ा था इनकम्प्लीट एलिमेंट्री केनाल। इनकम्प्लीट मतलब उसके पास एक ही ओपनिंग है, इसका कंप्लीट है, इसका मतलब टू ओपनिंग। इसके पास एक ऐसी ट्यूब भी प्रेजेंट है बच्चों जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन कर सकता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसके पास एक ऐसी ट्यूब है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन कर पाएगा, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, ठीक है? सेक्सेस अलग अलग होते हैं, आप देख रहे हो पहला एनिमल आया जिसके पास सेक्सेस अलग अलग है, हमारी तरह है, डायोशियस है। इससे पहले सबके अंदर सेक्सेस कॉमन थे, इसके पास अलग अलग, ठीक है? मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मेल और फीमेल को आप पता भी लगा सकते हो, फीमेल लंबी होती है मेल से। कैन यू ऑल सी? फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल लंबी होती है साइज में। तो अगर आपके सामने दो एस्केरिस पड़े हो तो आप आराम से देख के खट्टे से मुझे बता दो कि मैम ये लंबी है तो मतलब ये फीमेल है, और इसका हाइट तो छोटा है मतलब ये तो मेल होगा, ठीक है? फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल होता है, डेवलपमेंट हो सकता है डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? इसके एग्जाम्पल होते हैं एस्केरिस, राउंड वॉर्म, बूशरेरिया, फिलेरियल वॉर्म या फिर एनसाइक्लोस्टोमा, कुक वॉर्म। अब मैं आपको एक बात सुना,
क्या आप छोटे थे तब आपने ऐसा सुना था अपने घर वालों के मुंह से या किसी से भी कि पेट में कीड़े हो गए? हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म पेट के अंदर कीड़े होना? क्या आप सबने सुना है इस बारे में कि पेट के अंदर कीड़े हो गए हैं? उस बीमारी का नाम होता है बेटा एस्केरियासिस, ठीक है? उस बीमारी का नाम होता है एस्केरियासिस, वो होती है एस्केरिस की वजह से। ये जो राउंड वर्म है ये आपके पेट के अंदर चला जाता है, आप जो भी खाना खा रहे हो वो सारा का सारा खाना ये खा लेता है, इससे आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। आपको पता है किसी इंसान को कब बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए? कब बोलते हैं पता है? क्योंकि जब भी वो इंसान किसी इंसान के पेट में कीड़े तब होते हैं जब इंसान को बहुत बहुत भूख लगती है ना, तो बोलते हैं कि इसके तो शायद पेट में कीड़े हो गए दिखते हैं, है ना? क्योंकि आपने जितना खाना खाया वो सब एस्केरिस खा गया, तो आपको तो भूख लगेगी ना, सो दैट इज व्हाई, दैट इज दैट कंडीशन। दूसरी बीमारी होती है बच्चों एलिफेंटियासिस। नाम सुने किसी ने? हैज एनीबडी हर्ड द नेम ऑफ दिस डिसऑर्डर एलिफेंटियासिस? या फिर इसका दूसरा नाम होता है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस में क्या होता है बच्चों? इंसान के पैर हाथी जैसे मोटे मोटे हो जाते हैं, वो होता है बुशेरेरिया की वजह से, फिलेरियल वॉर्म। हाथी जैसे बड़े बड़े पैर हो जाते हैं पेशेंट के, हाथ भी कभी कभी बड़े हो सकते हैं, मैक्सिमम पैर होते हैं क्योंकि ग्रेविटी पैरों पर इफेक्ट करती है ना, तो ये वॉर्म पैर में पहुंच जाता है, ठीक है? सो हाथी जैसे बड़े बड़े पैर हो जाते हैं। मंतुषा, इफ नॉट डायग्नोस्ड इन टाइम देन यस इट विल बी क्रॉनिक, इफ डायग्नोस्ड इन टाइम इट विल नॉट बी क्रॉनिक, इट डिपेंड्स अपॉन द डायग्नोसिस पे डिपेंड करते हैं कि कब आया था, ठीक है मंतुषा? चलो अच्छा, अभी बहुत आसान क्वेश्चन आया सारे बच्चों के लिए, सारे बच्चे फोड़ दो इस क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम? सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है इन सब में? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, कॉर्डेटा, जल्दी बताओ। लोकेश और मीनल ने तो सही जवाब दे भी दिया, गाइस अमेजिंग। बाकी के बच्चे, बाकी के टॉपर्स क्या है मेरे, जल्दी जवाब दो। आदित्य, रिद्धि, मंतशा, प्रशांत, पूजा, दीना, एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट वाला फाइलम। यस मीरा केव, एब्सोल्युटली राइट, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट वाला। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके घर के अंदर आपको इंसेक्ट के अलावा और कोई दिखता है? Have you ever seen anybody other than insects at your house? मतलब अगर आपने डॉगी पेट कर रखा हो तो अलग बात है, बट नॉर्मली हर किसी के घर में इंसेक्ट या रेप्टाइल ही मिलते हैं, रेप्टाइल एक आध मिल जाएंगे, लिजर्ड या इस तरीके के, बाकी मैक्सिमम घरों में आपको इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, राइट? व्हाट आर ऑल ऑफ दोस? आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट क्या है बच्चों? कुछ नहीं, आर्थ्रोपोडा ही तो है, राइट गाइस? यस सोनू बेटा, एब्सोल्युटली राइट, बी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? यस सोनू, यस एब्सोल्युटली राइट। देखो आपके कॉमेंट थोड़ा सा लेट आते हैं ना, तो आई कैन नॉट जस्ट सी योर नेम, जस्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आप कमेंट करो और मैं आपका नाम ले दूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी देर बाद आते हैं, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा आसान है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? लार्जेस्ट तो सबको पता होता है, फर्स्ट कौन आया था ये सबको पता होता है, सबको पता है ना, चांद पे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। सेकंड किसने रखा था पता है किसी को? सेकंड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम से फर्क पड़ता है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ जाता है या हमारी मैम उनसे पूछ सकती है। मीनल, एब्सोल्युटली राइट बेटा, मीनल बच्चे बहुत बढ़िया। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर मतलब एनिमल किंगडम के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। प्रशांत, इट्स नॉट एनेलिडा। ऐश्वर्या, एब्सोल्युटली राइट। दिशा बेटा, एब्सोल्युटली राइट। बाकी के मेरे टॉपर्स कहाँ हैं यार, जवाब तो फटाफट आने चाहिए। एवरीबडी, रिद्धि राइट, दीना राइट, आदित्य को नहीं बता, आदित्य बेटा मोलस्का होता है, ठीक है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड इज मोलस्का, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है? अभी पता चल गया सबको, हैज एवरीबडी कम टू नो नाउ? ओके, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का। चलो और अब हम बात कर रहे हैं एनेलिडा के बारे में, ठीक है? ऑर्गन सिस्टम लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, मैम यही तो नहीं समझ आता, ये पूरा का पूरा टेबल में, हर एक बच्चा ध्यान रखो, पूरा का पूरा टेबल में मिल जाएगा आपको मजेदार तरीके से, ठीक है? सो टेबल से कॉपी कर लेते। ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामर्ज होते हैं। हमने स्टार्टिंग में बात किया था अर्थवर्म के अंदर मेटामर्स होते हैं, अर्थवर्म के अंदर सेगमेंटेशन होता है, दीज आर ऑल्सो मेटामेरिकली मेटामर्स प्रेजेंट है। एंड सीलोमेट, ये पहले एनिमल है जिनके पास सच्ची सीलोम है, ठीक है? सच्ची सीलोम, ओके? इनकी बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड होती है इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। बच्चों प्रशांत, टेबल मैंने इस फाइल में भी दे रखी है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जब फाइल भेजूंगी तब भी आपको मिल जाएगा,
नहीं तो इस चैनल पे मैं थोड़ी देर बाद कम्युनिटी पोस्ट डलवा दूंगी, एक वहां पर भी टेबल मिल जाएगा, बहुत सारी जगह पर टेबल मिल सकता है आपको, ठीक है। कोशिश करना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आपको पूरे सेशन के नोट्स मिल जाए, ठीक है। इसके पास नेफ्रिडिया जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो इसको ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करने में मदद करता है। इसके पास न्यूरल सिस्टम भी होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूरल सिस्टम ऑल्सो, जैसे आपकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, इसके पास भी वैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इट हैज दैट ऑल्सो। अच्छा बच्चों, इसके अंदर अब अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। अच्छा बिल्कुल एक बात बताओ, अर्थवॉर्म जमीन पे रहते हैं या पानी पे रहते हैं? अर्थवॉर्म स्टे ऑन वाटर और ऑन लैंड? जमीन पे रहते हैं ना अर्थवॉर्म, सॉइल में घूमते रहते हैं मजे से, छोटे छोटे से कीड़े जैसे। तो अर्थवॉर्म और लीचेस, लीच के बारे में भी सबने सुना होगा, क्या लीच की तरह चिपक जाता है? लीच एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपके, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपके चिपक जाता है, ठीक है, और फिर आपको ब्लड सक करते हैं। तो दे कैन बी एक्वेटिक, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल। अब इसके अंदर एक फॉर्म होता है नीरस, एक्वेटिक फॉर्म होता है डायोशियस होता है। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, नीरस इज यूनिसेक्सुअल, बट अर्थवॉर्म्स आर मोनोशियस। अर्थवॉर्म और लीचेस बाइसेक्सुअल होते हैं या मोनोशियस होते हैं, बट लीचेस आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है बच्चों। यूनिसेक्सुअल होते हैं लीचेस और अर्थवॉर्म और मोनोशियस, अर्थवॉर्म और लीचेस बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। हाय प्रतीक, हाय करण। सोनू, लीचेस कैन बी फाउंड ऑन योर बॉडी ऑल्सो, समटाइम्स लीचेस गेट स्टक टू योर बॉडी ऑल्सो, सो दे कैन बी फाउंड एनीवेयर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका एग्जाम्पल होता है नीरस। पेरेटेमा जो अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है, सारे बच्चे याद रखना, आज रात में 9 बजे I will be teaching this for free on the Unacademy class. 9 PM free special class. Free class होगी Unacademy पर, जिसमें हम अर्थवर्म की पूरी कहानी जानने वाले हैं, ठीक है। अर्थवर्म का पूरा structure, ठीक है। और Hirudinaria होता है blood sucking leech का scientific नाम, ठीक है। So Hirudinaria that is the blood sucking leech, और उसके अलावा होते हैं Meris ferritema, okay बच्चों। All right, great. अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की, ये सबको पता है क्योंकि इसको सबने घर में घूमते हुए देखा है, ठीक है। चाहे चींटी हो चाहे कॉकरोच हो, वी हैव ऑल सीन इट मूविंग इनसाइड आवर हाउसेस, है ना बच्चों, हम सब ने देखा है इसको अपने घर के अंदर घूमते हुए। चाहे आप मक्खी की बात करो, वो जो छोटी मक्खी आके भिनभिनाती रहती है हमारे सर के ऊपर, वो भी तो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है। सो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, बड़े बड़े शब्दों में लिख लो इसके ऊपर, ये सबसे बड़ा फाइलम है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, पूरे के पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, इसके ऊपर काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन क्या होता है मैम? काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, ठीक है। सो काइटिन का पॉलीमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोराक्स एंड एब्डोमेन के अंदर। अब प्रशांत, इस चैप्टर के आपको इसी मेल आपको अभी बताया ना टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, अभी तो बताया मैंने आपको कि टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे पूरे के पूरे नोट्स, ठीक है। जो अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आपको पूरे नोट्स। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, आपको पता है आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जुड़े हुए, पोडा का मतलब होता है लेग्स या अपेंडेजेस, तो आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। गिल्स हो सकते हैं इनके पास, बुक गिल्स हो सकते हैं, बुक लंग्स हो सकते हैं, या फिर ट्रेकियल सिस्टम हो सकता है। सांस अलग अलग तरीके से ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे हैव, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती है, उस हिसाब से अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, यानी इनके पास आपके और मेरी तरीके से ब्लड वेसल नहीं होती है, आर्टरी वेन आर्टेरियल नहीं है इनके पास कुछ भी, इनका खुला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम है। आएगा उसके अंदर ब्लड और ब्लड ऐसे फवारों की तरह छूटता रहेगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दे डोंट हैव अ प्रॉपर वीनस और आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सारे के सारे बच्चे, हैव यू ऑल सीन अ कॉकरोच? क्या आप सारे के सारे बच्चों ने कॉकरोच देखा है कभी ना कभी? आई एम श्योर सारे बच्चे ने देखा होगा, राइट? हर एक बच्चे ने देखा होगा, फटाफट बता दो, हैव यू ऑल सीन अ कॉकरोच? कॉकरोच के ऊपर एंटीना प्रेजेंट होता है, देखा आपने कॉकरोच के ऊपर इस तरीके से एंटीना प्रेजेंट होता है? यस, दोज आर सेंसरी ऑर्गन्स। तो जब आप चल के जाते हो ना कॉकरोच के पास, तो कॉकरोच को पता चल जाता है कि कोई चल के आ रहा है मेरे पास, क्यों? क्योंकि उसके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इट हैज सेंसरी ऑर्गन्स, तो पता चल जाता है। आईज होती है उसके पास कॉकरोच के पास, बहुत अच्छी आईज नहीं होती बट आईज होती है। स्टैटोसिस या बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। यस, दोज आर कॉल्ड एज एंटीना, ओके बच्चों। चलो
एक्सक्रीशन होता है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू, मोस्टली डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस मतलब एग लेइंग। मैम आपने आर्थ्रोपोडा की फाइल में ये चिकन को क्यों लगाया है? क्योंकि ये बताने के लिए कि चिकन विल ऑल्सो ले एग्स एंड आर्थ्रोपोड्स विल ऑल्सो ले एग्स, ठीक है। तो मैम यहाँ पे अंडा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अंडे देते हैं भी, दीज आर ऑल्सो ओविपेरस नॉट विविपेरस, ठीक है बच्चों। डेवलपमेंट इनका हो सकता है डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, राइट बच्चों। चलो एक्सीलेंट गाइस, ओके। अच्छा देखो, इंसेक्ट्स कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। मैम हमने तो सारे बेकार ही देखे, हमारे घर के अंदर तो मस्कीटो घूमता रहता है जो हमको मलेरिया दे देता है, डेंगू दे देता है, चिकनगुनिया देखता है, नहीं तो मतलब सारे बेकार इंसेक्ट्स देखे। अच्छा तो इंसेक्ट नहीं देखता, अच्छा भी इंसेक्ट होता है एपिस इंडिका, हनी भी, जिससे आपको हनी मिलता है वो तो अच्छी है यार, उससे तो हमें हनी मिलता है, हम हनी पीते भी है, तो हनी भी इज गुड। सिल्कवॉर्म जिसका नाम है बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म इज गुड। लैक्सिफर जो लैक इंसेक्ट होता है, लैक आई डोंट नो कितने बच्चों को पता है, लैक राजस्थान में बहुत यूज होता है, ठीक है, हिंदी में लाख बुलाते हैं, उसकी चूड़ियां वगैरह बनती है, तो ये वो वाला इंसेक्ट है जिसकी वजह से वो सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो ये सब तो अच्छे वाले इंसेक्ट है, ठीक है, तो ये सब तो काम आते हैं आपके, दीज आर ऑल हेल्पफुल, ठीक है, ये काम आने वाले एनिमल्स है। इसके अलावा बच्चों ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कुछ काम नहीं आते आपके, ठीक है, जैसे एनोफिलस, क्यूलेक्स और एडीज, कि तीनों के तीनों मच्छरों की प्रजातियां हैं जो आपकी बॉडी में बीमारी दे देती हैं, ठीक है। एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड एडीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कीटोज जो बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। एनोफिलस से होता है बेटा मलेरिया, नोट करते जाया करो साथ साथ, ठीक है, मेक श्योर यू नोट विद मैम। एपिस फिर भी गंदा होता है, अरे मंदिशा बट इवेंचुअली कुछ काम भी तो कर रहे हैं ना यार आपके लिए, इट इज वर्किंग समहाउ फॉर यू, सो दैट इज गुड। क्यूलेक्स से हो सकता है फिलेरियासिस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बीमारी पड़ी, फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, हाथी पांव। और एडीज से होता है डेंगू या डेंगी या फिर चिकनगुनिया। ठीक है, सो डेंगू या चिकनगुनिया। ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा, अभी मैं देखो पिछले साल तक मैं मान सकती थी कि बच्चों को लोकस्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता, आई थिंक इस साल हर एक बच्चे को लोकस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया, कि नहीं लग गया पता, सारे के सारे बच्चे फटाफट बता दो, इस साल हम सब की दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई लोकस्ट के साथ? हैव यू ऑल बिकम फ्रेंड्स विद द लोकस्ट, राइट? लोकस्ट यानी टिड्डी दल, जो आया था हमारे देश के अंदर और हमारे बहुत सारे क्रॉप्स को खराब करके चला गया है ना, सो इट वॉज लाइक अ पेस्ट बच्चों, ठीक है, एक तरीके का पेस्ट था, ठीक है, ये एक तरीके का पेस्ट था जिसने हमारे बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स को खराब कर दिया, ठीक है, और लिविंग फॉसिल होते हैं किंकरा या लिमुला, राइट, टिड्डी दल, राइट। चलो बच्चों आर्थ्रोपोडा तो खत्म हो गया, अब हमारे बस तीन फाइलम बचे, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा, तो लेट्स गेट फास्ट, थोड़ा सा जल्दी करते हैं और खत्म करते हैं टॉपिक को, फिर हमारे अकेडमी आप क्विज करेंगे और उसके बाद मैं आपको रात में 9 बजे तो मिलने ही वाली हूँ मेरे सारे बच्चों। तो चलो मोलस्का के बारे में बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। अच्छा मोलस्का के अंदर आता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को सब जानते हैं, ऑसवर्ल्ड बचपन में सारे बच्चों ने देखा है, हैव यू ऑल सीन द शो कॉल्ड ऑसवर्ल्ड, क्या सारे के सारे बच्चों ने बचपन में ऑसवर्ल्ड देखा था? बहुत ही मजेदार शो आता था, उसके अंदर एक ब्लू कलर का ऑक्टोपस था, बहुत ही प्यारा था, ठीक है। सो ऑक्टोपस इज एन एग्जांपल ऑफ मोलस्का बच्चों, इसकी बॉडी कैल्केरिया शेल से कवर्ड होती है, इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरिया शेल। यस ऐश्वर्या, डेविल फिश, इट इज कॉल्ड एज डेविल फिश, राइट। तो इसकी बॉडी के ऊपर पूरा कैल्केरिया शेल प्रेजेंट होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इस बात को याद रखना, इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी अनसेगमेंट होती, सेगमेंट नहीं होते इसकी, हेड होता है, एक मसल वाला फुट होता है और एक विसरल हम्प होता है, ठीक है, हेड विसरल फुट, हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ये तीन चीजें इसकी बॉडी में होती है। अच्छा अब देखो पता क्या होता है, ये इसका हम्प है और इसके ऊपर एक सॉफ्ट और स्पंजी स्किन की लेयर होती है, ठीक है, दिस इज हम्प, दिस इज स्किन, इन दोनों के बीच में होता है बच्चों, इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज मेंटल कैविटी, मेंटल मतलब वो वाला मेंटल नहीं, हम बोलते हैं मेंटल हॉस्पिटल, वो वाला नहीं, मेंटल, MENTLE, मेंटल कैविटी होती है जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इट हैज गिल्स, ठीक है बच्चों, इसके अंदर गिल्स होते हैं, राइट, इट कंसिस्ट ऑफ गिल्स, ओके। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है रेस्पिरेटरी, अच्छा गिल्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसके पास सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच की तरह,
विसरल हम्प मीन्स लोकेश, एक हम्प जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कैमल के पास हम्प होता है ना, वैसे इसके पास भी हम्प होता है। हम्प के अंदर इसके विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। इसका विसरल ऑर्गन क्या है बच्चे? इसका विसरल ऑर्गन है इसका गिल। गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है? इज दैट क्लियर? साक्षी कहाँ जा रहे हैं तो एलिफेंट से पूछ सकते हैं अपन, ठीक है? माउथ के अंदर एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है खाने के लिए, जिसे आप रेड्यूला बुलाते हो। मैम व्हाट इज फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन? आई विल टेल यू वन थिंग, जब मैं 11th में थी ना, तो मैं सोचती थी कि फाइल लाइक ऑर्गन मतलब जिस फाइल में हम सामान रखते हैं वैसी वाली फाइल। नहीं बच्चों, लेटर ऑन आई केम टू नो फाइल लाइक का मतलब होता है नेल कटर। देखा है, नेल कटर के अंदर एक नेल फाइलर जैसी चीज होती है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज नेल फाइलर। हैव यू ऑल सीन द थिंग कॉल्ड एज नेल फाइलर? राइट, तो वो नेल फाइलर जैसा होता है, ठीक है, रैस्पिंग ऑर्गन, ठीक है, जिससे खाना खा सकते हैं, उसका नाम होता है बच्चों रेड्यूला। इज दैट क्लियर? क्या ये बात हर बच्चों को समझ आई? माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, जिसका नाम होता है रेड्यूला। सो आई एम होपिंग दिस इज वेरी वेरी नाइसली क्लियर टू एवरीबॉडी। रेड्यूला प्रेजेंट होता है फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, फाइल यानी नेल फाइलर जैसे, ठीक है। चलो बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं। फाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, कटल फिश, लोलीगो, स्क्वेड, ऑक्टोपस जिसका नाम होता है डेविल फिश, एप्लीशिया, सी है, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड कीटोप्लूरा काइटॉन। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एंड दीज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों? ये एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, इज दैट क्लियर? क्या ये बात हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आई? एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट, हैव यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेरी नाइसली? हर एक बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बता दो सारे मेरे टॉपर्स, राइट? चलो बच्चों, आप बात करते हैं सेकंड लास्ट फाइलम की, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। मैं आपको इकाइनोडर्मेटा के बारे में एक बात बता देती हूँ। इकाइनोडर्मेटा उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब नॉर्मल स्पीशीज में क्या होता है, लार्वा तो कम डेवलप्ड होता है, एडल्ट ज्यादा डेवलप्ड होता है। ये उल्टे हैं, इनका एडल्ट कम डेवलप्ड है, रेडियली सिमेट्रिकल, और इनके लार्वे बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत बार आता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन एग्जाम has been asked in exams a lot of times, मतलब genuinely बहुत बड़ी question exam में आया है कि adult echinoderms are radial, क्योंकि उल्टा है ना, बाकी सारे animals अपन अभी तक जो पढ़ रहे थे सब radially symmetrical, सब bilaterally थे, ये एक लौटा आया बीच में जो एकदम से radially symmetrical adult को लेकर आ गया, ठीक है, और इसका larva bilaterally symmetrical होता है, ठीक है बच्चों? These are marine in nature, इनके पास होता है water vascular system। हाँ बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम water vascular system, मैम वाटर वास्क्यूलर सिस्टम तो पॉलीफेरा में था, वो वाटर कैनाल सिस्टम था। तो सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना, दैट सिस्टम वाज वाटर कैनाल सिस्टम, जिसकी आप बात कर रहे थे वो वाटर कैनाल सिस्टम था, ये है वाटर वास्क्यूलर सिस्टम। इनके पास वास्क्यूलर सिस्टम होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स, आई एम सॉरी, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों एस्टेरियास दैट इज स्टार फिश, एकाइनस दैट इज सी अर्जिन, एंटेडॉन दैट इज सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूक्यूम्बर, एंड ऑफियोरा दैट इज ब्रिटल स्टार। So these are the common examples, ठीक है बच्चों? ये कुछ common examples है different types के। चलो, okay guys, चलो आगे बढ़ते हैं। Last phylum for today's session, कल के session में हम पूरे के पूरे chordates को पढ़ने वाले हैं और vertebrate को भी पढ़ने वाले हैं, but for now the last session that is hemichordata। आपको पता है hemichordata को हमने पहले chordata का ही part माना था। Do you all know hemichordata phylum was earlier अ पार्ट ऑफ कॉर्डेट्स? क्या ये बात हर एक बच्चे को पता है? ये पहले कॉर्डेट्स के ही पार्ट थे, फिर इनको भगा दिया गया कॉर्डेट्स में से। इनके पास कॉर्डेटा तो था नहीं, इनके पास प्रॉपर डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी नहीं है, इनके पास एक वेंट्रल कॉर्ड भी, इनके पास कुछ भी नहीं था। फिर हमने कहा इनको हटाओ, ठीक है, इनको यहाँ से हटाओ, ये नहीं पसंद आ रहा हमको। हमारे साथ होता है ना स्कूल में ऐसा, कभी कभी हमारे दोस्त होते हैं बहुत सारे, फिर हमको लगता है एक आध दोस्त पसंद नहीं आ रहे। प्रशांत जाना मत, प्रशांत अभी अनअकैडमी पे क्विज होने वाले हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस की तो कमी नहीं आने वाली प्रशांत। वी विल हैव क्वेश्चंस, बट वी विल हैव दोस क्वेश्चंस इन द नेम ऑफ अनअकैडमी क्विज, ठीक है। चलो, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इनके तीन पार्ट्स होते हैं। देखो ये एंटीरियर बड़ा सारा नजर आ रहा है ना, प्रोबोसिस, फिर होता है इनका एक कॉलर, और फिर होता है इनका बड़ा सारा ट्रंक। सो दे कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स बच्चों, एंटीरियर, प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक, तीन पार्ट्स होते हैं। एक बड़ा सारा प्रोबोसिस होता है इनके पास, एक कॉलर होता है बच्चों इनके पास, और इनके पास एक ट्रंक होता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, खुला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब वापस से इन्होंने आपको पता है आपकी बॉडी में क्या होता है, आपका हार्ट
ब्लड भेजता है आर्टरी के अंदर, आर्टरी से वो ब्लड इधर उधर जाता है। इनके बॉडी में ब्लड, हार्ट बस ब्लड को फेंक देता है कि ले लो जो ले सकता है, ठीक है। सो इट इज लाइक ओपन टाइप। इनका रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन होता है इस प्रोबोसिस के। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बच्चों थ्रू द प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी ये भी फिर से मोनोशियस नहीं हुए, ठीक है, डायोशियस हुए। फर्टिलाइजेशन बाहर होता है पानी में। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा विल बी प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, लार्वा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल होते हैं इसके बेलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस। अभी मुझे बताओ गाइस एंड गर्ल्स, एक घंटा हुआ है और हमारे सारे के सारे फाइलम्स हो गए, मजा आया कि नहीं हर एक बच्चे को, जल्दी से बता दो सारे के सारे बच्चों। वी हैव ऑल कंप्लीटेड ईच एंड एवरी फाइलम, मतलब कितने सारे फाइलम थे, इतने सारे फाइलम थे एनिमल किंगडम के अंदर और वो भी यू नो इनवर्टेब्रेट्स के अंदर, और हमने एक एक फाइलम को पढ़ लिया है। तो मजा आया कि नहीं सारे के सारे बच्चों को, वॉज इट फन एवरीबॉडी? तो कल के सेशन में हम लोग खत्म करने वाले कॉर्डेट्स को, कल के सेशन में हम एक एक कॉर्डेट को पकड़ेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे, फ्रॉग को पकड़ेंगे, ह्यूमन बींग्स को पकड़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। मंतोषा कॉर्डेट्स तो बेटा इनवर्टेब्रेट्स, आज केवल इनवर्टेब्रेट्स पढ़ना था ना हमको, तो कल के सेशन में हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के बारे में, फिलहाल बस इतना ही करेंगे। लेकिन कोई बच्चा जाना मत, अभी हम लोग क्विज करने वाले हैं। Yes, Lokesh, right now we will have quiz that is free. फिलहाल हम जो quiz करने वाले हैं वो free होगी। Meanwhile, मैं सारे बच्चों को बता दूं, यहाँ पर एक table है जो मैंने खुद ने बनाई है, it's my own handmade table. So you can all refer to this table also, बच्चों। मैंने ये table केवल आप लोगों के सामान, आप लोगों की पढ़ाई को easy करने के लिए बनाई है table. So make sure you all refer to this table for all the important things, और उसके बाद हम लोग quiz करने वाले हैं। Quiz में कौन सा chapter है? अब ये आप लोग बताओ, 11th biology का कौन सा chapter आप quiz में करना चाहते हो? जो आप करना चाहोगे वो मैं कर लूंगी, ठीक है। तो मुझे बताओ विच टॉपिक डू यू वांट, आप कौन सा टॉपिक चाहते हो, आप जो भी टॉपिक बताओगे क्विज के लिए हम उसी टॉपिक पे क्विज कर लेंगे। तो जल्दी बता दो सारे के सारे बच्चे, व्हाट टॉपिक डू यू गाइस वांट फॉर द क्विज? मेरे टॉपर्स सारे बच्चे बताओ फ्री में। साक्षी बेटा ये चैप्टर एक्चुअली क्विज में नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट दिस चैप्टर हैज नॉट बीन एडेड टू द क्विज येट बाय एन एकेडमी टीम, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी इस चैप्टर की तो नहीं कर सकते हम, और किसी चैप्टर की कर सकते हैं। पीयूषा बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द टॉपिक ऑफ क्लास 12, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं हो सकता। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगा, वो तो क्लास 12 का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन का है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी से करें क्विज, एनिमल किंगडम से नहीं कर सकते बिकॉज एनिमल किंगडम इज नॉट देयर। व्हाट यू ऑल से, शुड वी डू अ क्विज ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी? आर यू ऑल इन फॉर अ क्विज ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी? क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी ही मुझे दूसरा ऑप्शन नजर आया अदर देन एनिमल किंगडम। मॉर्फो ऑल चैप्टर्स एन अकेडमी ऐप पे होगा रंजना, यस। मैं अभी आपको बता रही हूँ क्या करना है, कैसे आप क्विज को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओ माय गॉड गाइस, देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो, गाइस 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 गाइस, कुछ क्वेश्चंस है। चलो एक काम करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस है तो उनको आंसर करते हैं और उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, पहले उन क्वेश्चंस के आंसर कर लो। आई फॉरगॉट दैट वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, so let's do these questions then we will go back, ठीक है। which of the following is not a function of the water transport system in sponges? तो जल्दी बता दो सारे के सारे बच्चे, इनमें से कौन सा नहीं होता है। आप तब तक बताते जाना, हम एंड में क्विज कर लेंगे पक्का से, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चंस के आंसर तो बताओ यार, इतने बढ़िया क्वेश्चन और हम भूल ही गए थे सारे के सारे। ऐश्वर्या has answered, absolutely right ऐश्वर्या, अजय, मीनल, लोकेश, रंजना, मंतशा, वाणी मैम, एक्सेलेंट, साक्षी, मंतशा, प्रशांत, एबी डिविलियर्स, फैन क्लब, आदित्य, पीयूषा, एक्सेलेंट। सर्विस कंट्रोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम नहीं होता है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम नहीं होता है नर्वस कंट्रोल करना, ठीक है। वो नर्वस कंट्रोल के पानी कैसे किसी की बॉडी के अंदर या नर्व कंट्रोल कर सकता है? सो पीयूषा, चंदन, दानिश, एब्सोल्युटली राइट, इज द राइट आंसर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्क्युलर सिस्टम, सारे बच्चे वर्ड को बहुत अच्छे से नोटिस करना, आई हैव रिटन वास्क्युलर नॉट कैनाल, मैंने कैनाल वर्ड नहीं यूज किया, आई हैव यूज्ड द वर्ड वास्क्युलर। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्क्युलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जल्दी से बता दो, स्पॉन्जेस, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा या फिर बोथ, वन एंड थ्री। मीनल हैज ऑलरेडी आंसर, ओ माय गॉड। मीनल क्वेश्चन पढ़ो, वाटर वास्क्युलर सिस्टम की बात करियो, कैनाल की बात नहीं कर रही। ऐश्वर्या ने सही जवाब दिया है, मीनल ने सही जवाब दिया है, साक्षी ने सही जवाब दिया है। सारे बच्चे जो स्पॉन्जेस बोल रहे हैं, वाटर वास्क्युलर सिस्टम यार,
कैनाल नहीं, वास्कुलर लोकेश, आई एम टॉकिंग अबाउट वास्कुलर वाटर वास्कुलर सिस्टम बेटा, केवल और केवल एकाइनोडर्मिस के अंदर, स्पॉन्जिस के अंदर कैनाल होता है, स्पॉन्जिस बच्चों हैव अ वाटर कैनाल सिस्टम, एकाइनोडर्मिस के अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम होगा, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पॉन्जिस के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। समझ आया सारे बच्चों को? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जिस जिस बच्चे का गलत हुआ था क्या अब सारे बच्चों को समझ आ गया? जितने भी बच्चों को गलत हुआ था, विल एवरीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली दिस टाइम? अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आग लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? फटाफट बता दो सारे के सारे बच्चे। नाउ दिस टाइम इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम, आर यू ऑल गोइंग टू पुट इट ऑन फायर? यस दानिश, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया? चलो लेट मी हैव सम वाटर, फिर आगे बढ़ते। गॉर्गोनिया इज कॉमनली कॉल्ड एज, गॉर्गोनिया को कॉमनली क्या बुलाते हैं? सी पेन, सी फेदर, रेन कोरल या फिर सी पैन? जल्दी बता दो सारे के सारे बच्चे। गॉर्गोनिया इज कॉमनली कॉल्ड एज, आज ही की क्लास में पढ़ा है, आज ही की क्लास में क्वेश्चन भी आ गया, मजेदार चीज हुई है। तो बता दो सारे के सारे बच्चे, व्हाट इज द राइट आंसर? एवरीबडी टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर? गॉर्गोनिया इज कॉमनली कॉल्ड एज, गॉर्गोनिया का कॉमन नाम क्या होता है बच्चों? ऐश्वर्या हैज आंसर्ड करेक्टली, एबी डिविलियर्स, चंदन, पीयूषा, माय गुडनेस यार, माय स्टूडेंट्स आर टॉपर्स, दैट्स अमेजिंग बच्चों। और बाकी के बच्चे कहाँ रह गए? टॉपर्स लोकेश, प्रशांत, पीयूषा, मीनल, आदित्य, चंदन, एबी डिविलियर्स फैन क्लब, एवरीबडी इज राइट, गॉर्गोनिया इज कॉमनली कॉल्ड सी पैन, गॉर्गोनिया का कॉमन नाम होता है बेटा सी पैन, एब्सोल्युटली राइट। रंजना, दानिश, वेरी गुड बच्चों, ठीक है, इट इज कॉल्ड सी पैन। कॉम जेलीज कैसे होते हैं? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम जेलीज होते क्या। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉम जेली, सिसाइल, फ्री स्विमिंग, टेरेस्ट्रियल या फिर फ्रेश वाटर। कॉम जेलीज आर, इनमें से कैसे होंगे कॉम जेलीज? ठीक है, सिसाइल, फ्री स्विमिंग, टेरेस्ट्रियल या फिर फ्रेश वाटर। तो जल्दी बता दो सारे के सारे बच्चे, कॉम जेलीज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? और मैं खतरनाक वाले आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, माई गुडनेस। साक्षी, सी फेदर कुछ नहीं होता, वो मैंने बस एड किया था नाम, दैट इज नथिंग, सी फेदर नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, प्रशांत has given right answer, मीनल has also given the right answer, चंदन has given the right answer, एबी डिविलियर्स फैन क्लब, साक्षी, चंदन, श्रुति, absolutely right, free swimming, 8 rows of ciliated complex, 8 rows होती है बेटा इनके पास ciliated complex की, तो 8 rows of ciliated complex, free swimming, right? Okay, absolutely right, पूजा। Which of the following is incorrect math? अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी हमने आज के सेशन में पढ़ा है बच्चों। We have studied this in today's session only, ठीक है? आज के सेशन में पढ़ा है ये भी। Which of the following is an incorrect match? Incorrect match कौन सा है इनमें से? Paisalia, Portuguese man of war, Mandarina, brain coral, Sagon coral, Gorgonia, sea pen या फिर Panatella sea pen? Incorrect match कौन सा है? हरी ओम ने जवाब भी दे दिया है, दानिश ने भी जवाब दे दिया है, जगदीश ने भी जवाब दे दिया है, जगतार, प्रशांत, एब्सोल्युटली राइट, एक्सेलेंट प्रशांत, पीयूष एब्सोल्युटली राइट, साक्षी एब्सोल्युटली राइट, एक्सेलेंट बच्चों, ऐश्वर्या एब्सोल्युटली राइट, मीनल एब्सोल्युटली राइट। मैंड्रीना को सैगन कोरल नहीं बुलाते, इसको ब्रेन कोरल बुलाते हैं, आपके ब्रेन जैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक अ ब्रेन, सो इट्स कॉल्ड अस ब्रेन कोरल। इनमें से कौन सा एनलेट डायोशियस होता है? अनदर नाइस क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यस मंतशा, दैट इज ब्रेन कोरल। Which of the following annelid is dioecious? अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको बताने इनमें से कौन सा annelid dioecious होता है। Which of the following annelid is dioecious? Nereus, Ferrochyma, Hydrogenaria या फिर both Ferrochyma and Hydrogenaria? Dioecious. प्रशांत, absolutely right प्रशांत, very good, मजा आ गया आपका आंसर देखे। बाकी के बच्चे जल्दी बताओ everybody. Shruti is right, Piyusha is right, Mantasha is right, Aishwarya not right over here. Hydrogenaria is blood sucking leech. So, वो तो dioecious नहीं होता है, वो तो monoecious होता है, bisexual होता है. Sakshi, no. Hi, Samantha, Vita. The right answer is Meenal right, Danish right, Nereus. Nereus, हमने पढ़ा था ना, aquatic form होता है. Yes, Jagtar, Vita. Yes, Hariom, Vita. Aquatic होता है और ये इकलौता unisexual होता है. बाकी Ferrochyma, that is earthworm. Hydrodinaria, that is leech, ये दोनों के दोनों monoecious होते हैं. These are both monoecious और bisexual. Yes, Aishwarya, these are monoecious और bisexual. Excellent. Female ascaris को आप male ascaris से कैसे, यार ये पता है? I'm sorry, do you all know these are questions that have been asked in NEET?
एंड डू यू ऑल नो दीज आर क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ. ये तो हमने क्लास में पढ़ते पढ़ते ही बातें कर ली थी जो एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट बता दो, आपके सामने अगर दो एस्कैरिस लाके दे दिए मैंने तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे. मीनल एब्सोल्युटली राइट बेटा, एक्सीलेंट मीनल बच्चे, बढ़िया, बहुत बढ़िया. साक्षी एब्सोल्युटली राइट, प्रशांत एब्सोल्युटली राइट, ऐश्वर्या एब्सोल्युटली राइट. बाकी के बच्चे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे फीमेल और मेल एस्कैरिस में से. प्रशांत, श्रुति, पीयूष, गजानन, हरिओम, मंतशा एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट बच्चों. लॉन्गर देन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है यहाँ पर लोकेश बेटा कि ये फीमेल एस्कैरिज होती है, इट इज लॉन्गर देन में. ठीक है, ओके, सो एब्सोल्युटली राइट. व्हिच इन द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ आर्थ्रोपोड्स. अब जो ऑप्शंस आपके सामने हैं इनमें से कौन सा केवल और केवल आर्थ्रोपोड्स का एक्सक्लूसिव ट्रेट नहीं है, यानी कि ऐसी चीज केवल और केवल आर्थ्रोपोड्स के अंदर हो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ट्रेट ऑफ आर्थ्रोपोड्स. एक्सक्लूसिव ट्रेट नहीं होना चाहिए आर्थ्रोपोड्स. तो जल्दी बता दो सारे के सारे टॉपर्स मेरे. मीनल इज राइट, ऐश्वर्या इज राइट, साक्षी द आंसर इज नॉट सी, कंपाउंड आइज तो होती है ना आर्थ्रोपोड्स के अंदर, सो दैट्स नॉट राइट. मीनल इज राइट, एबी डिविलियर्स इज राइट, प्रशांत इज राइट, मंतशा इज राइट, दानिश इज राइट, श्रुति इज राइट, पीयूषा इज राइट, एब्सोल्युटली राइट बच्चों. प्रेजेंस ऑफ विंग्स, यस एबी डिविलियर्स, यस दानिश, हरिओम, इट्स नॉट काइटिनस एक्सोस्केलेटन बेटा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो होता है ना. प्रेजेंस ऑफ विंग्स इज एन एक्सक्लूसिव फीचर. प्रेजेंस ऑफ विंग्स बच्चों एक एक्सक्लूसिव फीचर होता है. क्यों? क्योंकि विंग्स तो बर्ड्स के पास नहीं होते हैं, तो एक्सक्लूसिव थोड़ी हो. एक्सक्लूसिव मतलब ऐसी चीज जो केवल इनके पास हो, तो विंग्स को बर्ड्स के पास भी होते हैं, इनके पास कुछ नया थोड़ी है, वो तो बर्ड्स के पास भी होते हैं. राइट सुमानता, दानिश, भूमिका, एब्सोल्युटली राइट बच्चों. ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडे. अभी हम लोग क्विज करने वाले हैं और मैंने देखा है पब्लिक डिमांड पे आया है मेरे पास कि मैम मॉर्फोलॉजी की क्विज करा दो. तो आई एम थिंकिंग वी शुड स्टार्ट मॉर्फोलॉजी का क्विज. आई एम थिंकिंग वी शुड, लेट मी सी व्हाट टॉपिक क्विज कैन वी हैव एंड देन वी विल हैव व्हाटएवर यू गाइस से. ओके, सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट फॉर अ सेकंड एंड देन वी गेट स्टार्टेड. ठीक है, इस क्विज में बच्चों आपको एक्सपी पॉइंट्स मिलेंगे. इन दिस क्विज यू आर ऑल गोइंग टू गेट एक्सपी पॉइंट्स. तो ये क्विज आपके फायदेमंद होने वाली है, आपकी रैंक आएगी, मैं आपकी रैंक देखने वाली हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी फन. ठीक है, तो बता दो सारे के सारे बच्चे, लेट मी सी मॉर्फोलॉजी पे कर लेते हैं. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम मॉर्फोलॉजी पे, मॉर्फोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी मिला के क्विज करते हैं. ठीक है, मजा आएगा. 20 क्वेश्चन, 20 सेकेंड पर क्वेश्चन. तो क्या करना है सारे बच्चों को, आई थिंक वी हैव दैट थिंग इज वाला. Yes. Steps to join the quiz. 010816 is the code. बेटा ये है वो कोड जिसके साथ आप क्विज को ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है बच्चों, 010816 is the code to join the quiz. 010816 वो कोड है बच्चों जिससे आप सारे के सारे बच्चे क्विज को ज्वाइन कर पाओगे. तो फ्री में है बच्चों, नेक्स्ट क्लास आ देते कल है. प्रशांत क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लोकोमोशन एंड मूवमेंट विल बी देयर, यस. तो आ जाओ सारे के सारे बच्चे, एवरीबॉडी कम फर्स्ट. फ्री है ये, दिस क्विज इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीबॉडी. सुमंता अनअकैडमी है बेटा, ये अनअकैडमी आप पे है. पीयूषा 6 दिसंबर को बेटा अनअकैडमी असेंड है, विच इज अ फ्री चैंपियनशिप फॉर एवरीबॉडी. आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. दैट मीन्स Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. सो आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो, मैं आपको उसके बारे में भी बताने वाली हूँ. तो 010816 इज द कोड टू जॉइन द क्विज बच्चों. Unacademy ऐप पे है, फ्री क्विज है. फिर से सारे बच्चों को बता दू, फ्री क्विज है. उसके अलावा सारे बच्चों को एक और बात बता दू बच्चों, अलॉन्ग विद दैट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. भूमिका हैज जॉइंड, दैट्स ग्रेट. बेटा मैंने बहुत सारे टॉपिक्स Unacademy ऐप पे फ्री में पढ़ा रखे हैं. दैट मीन्स एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. Quiz will start at, let's start the quiz exactly at 6:15. Ranjana, Unacademy app pe beta, Unacademy app pe, theek hai? Hum sab kuch Unacademy app pe hi karte hai Ranjana, theek hai bache? So, yeah. So, I have taken a lot of, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं Unacademy app पे free में. Animal Kingdom, Plant Kingdom. आज रात में 9 बजे मैं free में Earthworm भी पढ़ाने वाली हूँ. तो आप सारे बच्चे आ सकते हो. प्लीज रिमेम्बर टू यूज द कोड पीसी लाइव टू एक्सेस द क्विज. फ्री में है ये, इसको एक्सेस करने के लिए आपको पीसी लाइव कोड यूज करना पड़ेगा प्राक्षी मैम का.
सुमंता यू कैन डाउनलोड द ऐप बेटा. सुमंता आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बच्चे, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. फोर स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड. 010816 इज द कोड. एंड सुमंता आज रात में आपको पता है अर्थवर्म की फ्री क्लास होने वाली है, सो यू कैन गेट दैट फ्री क्लास ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री मेरे कोड के साथ, ठीक है. तो आ जाओ यार फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो. ऐप डाउनलोड करने में कितनी देर लगेगी, 5 या 10 मिनट. ऑल्सो गाइज ऑल ऑफ यू कैन फॉलो मी. आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे मेरी क्लासेस देखने के लिए, फॉर अटेंडिंग माई फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी. सो गाइज एंड गर्ल्स आ जाओ यार, फ्री में दे रहे हैं सब कुछ अब तो आपको. तो मानता डाउनलोड द ऐप फास्ट, जल्दी जल्दी करो बिकॉज 6:15 पे मैं क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ. 6:15 पे आई विल स्टार्ट द क्विज, सो डाउनलोड द ऐप फास्ट. जो भी बच्चे नए आए हैं जिन्होंने अभी तक क्विज नहीं स्टार्ट की, जल्दी से आ जाओ. अलीना एंटनी द नेक्स्ट क्लास इज एट टुनाइट 9 PM. आज रात 9 बजे नेक्स्ट क्लास है अनअकैडमी ऐप पे. आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कम देयर. अगर आप वहां नहीं आ सकते हो तो कल यूट्यूब पे 5 बजे. वैसे मेरी तो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, जब आपको ऐप तक फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप ऐप तो पढ़ो ना यार, राइट. सो कम, ट्राई टू कम ऑन द अनअकैडमी ऐप, ठीक है. अरे यार नेवर यूज यू नेवर से थैंक यू. फ्यूचर 6 December के बारे में बेटा, आपका अनअकैडमी असेंड है, ऑल इंडिया चैंपियनशिप है सुबह 11 बजे. इसके अंदर आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे. अलीना नेक्स्ट क्लास विल बी 5 PM टुमारो बेटा. कल इसी समय आपकी एक और क्लास होगी, ठीक है अलीना. इसके अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी सेलेक्ट करने पर. नाभा कुमार गराई, टुडेज टॉपिक इज अर्थवर्म. आज रात 9 बजे हम सब अर्थवर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है. टुनाइट एट 12 PM वी विल स्टडी अर्थवर्म, ठीक है. तो 1 घंटे का एग्जाम होगा आपका 11 बजे से. 60 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आएगा. एनसीईआरटी सिलेबस पूरा का पूरा करना पड़ेगा, ठीक है. पहली रैंक लाने वाले को 6 महीने का अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और रैंक 2 to रैंक 5 वालों को अनअकैडमी प्लस का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है. सो यू कैन जॉइन इट. अलीना नॉट टुडे बेटा, 5 PM टुमारो. आज रात में 9 बजे जरूर एक क्लास है अनअकैडमी ऐप पे. नहीं हरी ओम बेटा, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कोई रुपीज नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऐप है, इसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले. आपके परेशान मत होना कि मैम इसमें तो पैसे लग गए हमारे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके पास, ठीक है. तो आप सब फ्री में ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी ऐप को. ये क्विज भी सबके लिए फ्री है. सुमंता ट्राई टू डाउनलोड द ऐप. लेट्स स्टार्ट द क्विज एट 6:20 गाइस, ठीक है. हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं 6:20 पे. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. यू कैन ऑल्सो टेक माई फ्री लाइव क्लासेस बच्चों. आप सब मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हो ऑन अनअकैडमी. मैं बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ तो आप वो सब दे सकते हो. आज रात में 9 बजे क्लास है अर्थफॉर्म की, आप उसमें भी आ सकते हो, ठीक है. हाँ लैपटॉप पे नहीं होगा, लैपटॉप में नहीं होगा बच्चे, लैपटॉप में ऐप नहीं होगा डाउनलोड. यू हैव टू डाउनलोड इट ऑन योर फोन. सूरज द क्विज विल स्टार्ट एट 6:20. सूरज बेटा क्विज .620 पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. बाय बाय आदित्य. एंड गाइस 5 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइन, लेट्स हैव मोर स्टूडेंट्स. यार मतलब क्विज में तो कोई बुराई नहीं है, फ्री क्विज है, राइट. तो कम फास्ट एवरीबॉडी, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे बच्चे, क्विज को फटाफट ज्वाइन कर लो. एंड मेक श्योर यू कीप यूजिंग द रेफरल कोड PCLIVE. PC इज माय नेम, दैट इज प्रॉक्सी चतुर्वेदी. सो मेक श्योर यू कीप यूजिंग द कोड. And let's crack it, guys and girls. Bye bye for now. See you all at 9 PM today. Study Earthworm. आज रात में हम सब लोग साथ में मिलकर Earthworm पढ़ने वाले हैं, ठीक है. Bye bye बच्चों. सूरज the steps are written over here. बेटा सूरज आपको फोन में Anacademy Learning app install करना है. Plus section में जाना है, वहां पे जाके आपको test का section मिलेगा, वहां जाके join quiz click करना पड़ेगा, ठीक है. Fuchsia, yes, I have told others. Okay. सूरज here are the steps. You can join it from here and that's it. I'm saying goodbye now. I'm going to start the quiz. मैं क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है. ओके बाय.